आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश भर के अंदर 21 दिन का लॉकडाउन है, उसी बीच अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो वातावरण है वो काफ़ी शुद्ध दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली जो 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश के अंदर है, उसी बीच अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लाखों गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं। वहीं उसी बीच अगर बात करें तो फैक्ट्रियाँ जो हैं जिनसे पॉल्यूशन होता था वो बंद पड़ी हुई हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में ज़्यादातर जो गर्मी है वो बढ़ जाती थी, लेकिन इस वक्त जो गर्मी है वो थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है। वहीं इसी के बीच आप देख सकते हैं कि जो मौसम विभाग का डिस्प्ले है उस पर साफ तरीके से दिखाई दिया जा रहा है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन है 2.5 वो 41 के आसपास है। वहीं अगर PM10 की बात करें तो PM10 50 के आसपास है। वहीं क्योंकि जो ये स्थिति है वो काफ़ी बेहद अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो काफ़ी बेकार रहता था, सांस लेने में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आती थी। वहीं सरकारें इसको लेकर कड़े कदम उठा भी रही थी, चाहे जिस तरीके से सरकारें O1 लागू करती हैं, चाहे वो जिस तरीके से जो जो घर बनाने का काम था वो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाती थी। वहीं अगर अब की बात करें तो अब जो ये स्थिति है उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा है, क्योंकि 21 दिन का देश के अंदर लॉकडाउन है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो मौसम पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में जिस तरीके से गर्मी जो है वो अपने चरम पर होती थी, लेकिन इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो है जो स्थिति है वो काफ़ी सही नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो मौसम है उस पर भी कहीं ना कहीं अभी थोड़ी ठंडी है, क्योंकि देश भर की अगर बात करें तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बीच जो गाड़ियां हैं, क्योंकि गाड़ियों से जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मौसम में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो मौसम है वो काफ़ी थोड़ी सी सर्दी वाला है। तो वहीं अगर जिस तरीके से अगर 21 दिन का लॉकडाउन ख़त्म होता है तो क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो अगर सड़कों पर आती है तो कहीं ना कहीं मौसम पर ज़रूर उसका असर पड़ेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।